नमस्कार, मैं योगेश शर्मा। अभी हाल ही में तिहाड़ जेल से गैंगस्टर अंकित गुर्जर की हत्या का मामला सामने आया था, जहां अंकित के परिवार वालों ने पुलिस अधिकारियों पर अंकित की हत्या का आरोप लगाया था। जहां अब इस केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जहां दिल्ली की तिहाड़ जेल में गैंगस्टर अंकित गुर्जर की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। इस केस में क्या खुलासा हुआ है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट। गैंगस्टर अंकित गुर्जर की मौत के मामले में तिहाड़ से बाहर आए एक कैदी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उसने बताया कि जेल में मोबाइल मिलने पर गैंगस्टर अंकित गुर्जर को डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ने थप्पड़ मारा था। इस पर अंकित ने भी पलट कर उसे तमाचा मार दिया। इसके बाद जमकर बवाल हुआ। बता दें कि इस बात का खुलासा 3 अगस्त को जेल से बाहर आई कैदी गौरव ने किया है। गौरव 3 अगस्त को रात 9:30 बजे पैरोल पर जेल से बाहर आया था। बाहर आने के बाद गौरव ने अपने पिता के फोन से अंकित के घर वालों को फोन कर घटना की जानकारी दी। गौरव ने अंकित के परिवार वालों को मामले की शिकायत हरिनगर थाने में कराने के लिए कहा था। वहीं अंकित के परिवार वालों ने मामले की सूचना मिलते ही 100 नंबर पर कॉल कर जेल में मौजूद अंकित का हालचाल जानने के लिए पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस का कहना था कि अभी जेल का गेट बंद है और वो कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह रात बीत गई मगर कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद 4 अगस्त की सुबह अंकित जेल में मरा हुआ पाया गया। वहीं जेल से पैरोल पर बाहर आई गौरव ने बताया कि अंकित की बैरक में तिहाड़ जेल के डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट नरेंद्र मीणा ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इसमें अंकित की चक्की से मोबाइल बरामद किया गया। इसके बाद नरेंद्र मीणा ने अंकित को बैरक से बाहर निकाला और थप्पड़ मार दिया। इसके बाद गैंगस्टर अंकित ने भी नरेंद्र मीणा को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद नरेंद्र मीणा वापस चला गया। थोड़ी देर बाद जेल के 30-35 सुरक्षा में तैनात रहने वाली फोर्स के जवानों के साथ अंकित की बैरक में आया और लाठी चार्ज कर दिया। घटना में अंकित को काफी चोटें आई। अंकित का शरीर खून से लथपथ था। उसके बाद अंकित को जेल के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद यहां डॉक्टरों ने उसे DDU अस्पताल के लिए रेफर किया, लेकिन उसे बाहर नहीं ले जाया गया। कैदी गौरव का बयान दिल्ली के हरी नगर पुलिस थाने में दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस सूत्रों ने कंफर्म किया है कि अंकित के शरीर पर चोट के निशान थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल हिंद भारत, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।